मुगल इतिहास के पन्नों में सबसे क्रूर और कट्टर शासक का अगर जिक्र हो तो सबसे पहले नाम औरंगजेब का जहन में आता है। कहा जाता है कि औरंगजेब को गैर मुस्लिमों से नफरत थी। वो एक कट्टर मुसलमान और सत्ता का भूखा था। गद्दी के लिए उसने अपने ही भाई दारा शिकोह की भी जान नहीं बख्शी और उसका सिर कलम करा दिया था। वहीं कट्टरता के मामले में भी उसने अपनी हदें तब पार कर दी थी जब कलमा नहीं पढ़ने पर उसने एक फकीर का सिर धड़ से अलग करा दिया था। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दरअसल हम जिनकी बात कर रहे हैं वो यहूदी धर्म को छोड़कर मुसलमान बनने वाले एक सूफी थे जिनका नाम सरमद था। वो हमेशा से औरंगजेब के निशाने पर रहे। इसकी वजह थे दारा शिकोह से उनके अच्छे संबंध। ऐसे में औरंगजेब अपने आसपास अपना कोई रकीब नहीं रखना चाहता था। वो 1661 का साल था। दारा शिकोह मर चुका था और अब सरमद की बारी थी जो अपने आखिरी दिनों में निर्वस्त्र रहकर एक फकीर की जिंदगी जीने लगे थे। वो दारा के दोस्त भी थे और उसके गुरु भी। उसने भविष्यवाणी की थी कि युद्ध जीतने के बाद सिंहासन दारा को ही मिलेगा। औरंगजेब इस बात को अच्छे से जानता था कि सरमद जैसे लोकप्रिय व्यक्ति का सिर काटना इतना आसान नहीं होगा। सरमद पर किसी न किसी तरह के गंभीर आरोप लगाने होंगे तभी ये संभव हो पाएगा। एक दिन फकीर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। औरंगजेब ने उससे दारा की जीत की भविष्यवाणी के बारे में पूछा जो एक बार सरमद ने की थी। उसे भविष्यवाणी की याद दिलाई और पूछा, तुमने जो कहा था हुआ उसके उलट, अब क्या कहते हो? सरमद ने जवाब दिया, मैंने ये नहीं कहा था कि वो इस दुनिया का शहंशाह बनेगा। मैंने तो आने वाली दुनिया के बारे में बात की थी, वो उस दुनिया का शहंशाह होगा। इसके बाद सरमद को अपनी वफादारी दिखाने के लिए कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है और मोहम्मद उस खुदा के दूत हैं। लेकिन फकीर ने पूरा कलमा नहीं पढ़ा और सिर्फ इतना कहा, ला इलाहा, यानी कि खुदा नहीं है। काजी ने लोगों को चीख चीख कर ये बात बताई, देखो तुम्हारा ये फकीर क्या कहता है, ये ईश्वर को नहीं मानता, देख लो ये कैसा शैतान है। बस फिर क्या था, औरंगजेब को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल ही गया और सरमद को सड़कों गलियों में घसीटते हुए ले जाया गया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। कहा जाता है कि धरती से जाते वक्त सरमद की देह ने अपने कटे हुए सिर को हाथ में ले लिया और नाचने लगा। फिर नाचते हुए ही उसने पूरा कलमा पढ़ा। उसने अपने खुदा को पा लिया था। जैसे ही वो जामा मस्जिद की ओर जाने लगा, हरे भरे शाह की मजार से एक आवाज आई, उसे पुकारा था किसी ने। अब सरमद को उसका ईश्वर मिल गया था। सरमद अपना कटा सिर लेकर शाह की मजार की तरफ चल दिया। वही मजार के पास वो गिर गया और वहीं दफन भी हो गया। आपको बता दें कि अपने हाथों में अपना ही सिर लेकर नाचते नाचते पूरा कलमा पढ़ने की बात जोड़ तोड़ कर बनाई गई बात है, क्योंकि लोग अपने प्रिय संत की कल्पना शायद बिना कलमे के नहीं कर पाते। अब लोग सरमद की मजार पर मन्नतों के धागे बांधते हैं। ये ऐसा तीर्थ स्थल बन चुका है जहाँ जाने के लिए किसी को किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। मर्द औरत सब बराबर है यहाँ। बात औरंगजेब की करें तो वो मुगल शासकों में सबसे ज्यादा समय तक भारत पर राज करने वाला बादशाह बना था, जिसने साल 1958 से 1707 तक राज किया। हालांकि अपने आखिरी समय में औरंगजेब ने खुद इस बात को माना था कि वो पापी और नाकाम बादशाह रहा है।